हास पर रेट लग रहे हैं साहब। चंद ठेकेदार हिंदुस्तान में 5 लाख रुपया लेकर के घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये पैसा ले लीजिए और घर वापस आ जाइए। आप ही की तो बात हो रही है, घर वापस घर वापसी आप वक्त पर 5 लाख ले लीजिए, 2 लाख ले लीजिए, घर वापस आ जाइए। ठीक है साहब, आप रेट भी लगा रहे हैं तो 5 लाख लेके हम ईमान छोड़ के घर वापस आ जाएं। मैं आपसे एक बात बताऊं कि दुनिया के एक सुपर पावर ताकत वाले मुल्क में एक शख्स रहा करता था जिसके पैरों की थिरकन पर दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी। जब वो नाचता था तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा देती थी, लेकिन उस शख्स को कहीं सुकून नहीं मिला तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। तो चचेरे भाई ने कहा कि सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ा और उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम माइकल जैक्सन था। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि लोग अरबों डॉलर ठुकरा करके इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और आप रेट भी लगा रहे हैं तो 5 लाख। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी वो शख्स सब कुछ छोड़ करके मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के के खौफ से लोग बड़े बड़े मुक्केबाज रिंग छोड़ दिया करते थे वो शख्स पिछले दिनों माइक टायसन काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष जाती है तो उन्हें वहां से सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो 2 जगह है मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, आप रेट भी लगा रहे हैं तो 5 लाख। इमरान एक नज्म पढ़ता है, लोग अरबों डॉलर ठुकरा करके इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और आप रेट भी लगा रहे हैं तो 5 लाख। नज्म पढ़ता हूं, एक बार पूरा ऑडिटोरियम मुझे ताली बजा करके हुक्म दे कि मैं ये नज्म शुरू करूं। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, दोस्त एहतशाम बैठा है, आज आके पता चला कि अबरार भाई का भी घर यही है, यही पैदाइश है उनकी। आप बहुत खुशनसीब लोग हैं कि ये 2 बड़े शख्सियतें नईम भाई और अबरार भाई पूरी दुनिया में आपके शहर का नाम लेके जा रहे हैं। इस नज्म ने मुझे बहुत दुआएं दी हैं, लेकिन आज मेरी भी ख्वाहिश है कि ये समंदर मारती हुई जो भीड़ है ना, ठाठे मारती हुई भीड़, यकीन करें ऐसा मंजर, भीड़ बहुत बड़ी बड़ी मिली लेकिन जो ऑडिटोरियम का शेप है और जिस तरह लोग यहाँ बैठे हैं ऐसी भीड़ कम देखने को नसीब होती है। तो आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं, इस नज्म को पढ़ने की हिम्मत जुटाता हूं कि कह रहा हूं ये नाप कर तो कर अपने पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते है वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते है वो, मेरी धड़कन सुने कान को मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर। अगला मिसरा देखना चाहता है कि आप अपने आका से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी हम मुसलमान हैं। ये जो तस्वीर है इमरान पढ़ता है और नजर वहां जाए आपकी कि मैं मुसलमान है।
मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला पल पढ़ता हूं इस नम का साहब, क्या हम तो पारस अरब से भी आए नहीं। जब घुटनों में बल चलना शुरू किया था, मुझे याद है सड़क पार करता था तो मेरे पड़ोस में सीताराम चाचा रहते थे, वो मेरी उंगली पकड़ के मुझे सड़क पार करवाया करते थे। साइकिल से जाता था, जब कहीं गिर जाता था चलाते चलाते, तो लक्ष्मण जी जैसे कोई बुजुर्ग रहा करते थे पड़ोस में, वो साइकिल की चैन चढ़ा करके और फिर से मुझे रफ्तार दे दिया करते थे। हमने ऐसे हिंदुस्तान में आंखें खोली हैं, ये कौन है जो नफरतों की बातें करने के लिए सड़कों पर उतर आए? जवाब दीजिए इन्हें, इन्हें बताइए कि नहीं, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जहां मुसलमानों की लड़ाई सिर्फ मुसलमान नहीं लड़ता है। और मेरे सामने बड़ी तादाद में मुसलमान बैठा है, मैं आपसे भी ये कहूं कि इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ता है, क्योंकि रात के 2:30 बजे इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जो वकील खड़े थे ना, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। सल्यूट करिए ऐसे चेहरों को, सल्यूट करिए ऐसे चेहरों को। उस वक्त जो हमारे बैरिस्टर रहा करते हैं वो पता नहीं कहां चले जाते हैं, सच में कोई आता है सामने तो इस देश का सेकुलर हिंदू भाई सामने आता है, मैं सलाम करूंगा। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले को सच में अदालत तक ले जाने का जिसने काम किया वो कोई मुसलमान नहीं है, उसका नाम तीस्ता सीतलवार है। सल्यूट करिए ऐसे चेहरों को जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, उन्हें आगे लाइए, उन्हें ताकत दीजिए, क्योंकि ये जो नफरत करने वाली फासिस्ट ताकतें हैं वो यही तो चाहती हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में दूरियां पड़ जाएं। आप सल्यूट करिए अरुंधति रॉय को, सल्यूट करिए कुलदीप नैयर को, सल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने दुनिया को बताया कि दहशतगर्दी के और भी चेहरे हुआ करते हैं, सिर्फ दाढ़ी और टोपी नहीं होती। सल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे साहब को, मैं तो ये कहूं कि सल्यूट करिए लक्ष्मण जी को जो उर्दू की मोहब्बत में मुशायरा सुनने के लिए आपके बीच में मौजूद है, आपकी बातें हो रही है और वो तालियां बजा रहे, ऐसे लोगों को मजबूत करिए, क्योंकि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हम तो पराए नहीं, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दत हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दत हो गई मुस्कुराए नहीं। तेवर बोलता है इमरान का, हजारों इमारतें गवाह हैं हिंदुस्तान में इमरान के मिसरों की, कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, शहीद वतन की तरफ देखिए, और इमरान के मित्र सच्चे लगे तो दुआएं देना, कहीं जन्नत में उनकी रूह को भी सुकून मिलेगा कि उनके वारिस उन्हें याद कर रहे हैं, कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, वाह वाह वाह, मेरे भारत तेरी आन है शान है। आजादी के बाद पहले शहीद ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के अभी हाल फिलहाल सियाचिन में बर्फ की चादर ओढ़कर सोने वाले शहीद मुश्ताक अहमद तक इमरान के ये मिसरे लागू होते हैं, और दुआएं मांगते हैं आपसे कि मेरे की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मेरे भारत तेरे
मुसलमान है। आखिरी बंद पढ़ता हूं साथ इस नज़्म का, घर वापसी घर वापसी घर वापसी, इस नज़्म का, इस नज़्म का आखिरी बंद भाई, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। मैं दो नाम गिनाता हूं, ये जो घर वापसी का अभियान चलाने वाले लोग हैं, अगर करा सके तो इन दो नामों की वापसी करवाएं। पढ़ता हूं साहब, के सबे लागू न ये बेबसी कीजिए, सबे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, हो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, हो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आप इमरान को याद रखेंगे, मैं लेकिन मैं अपनी नई नज़्मों से चाहता हूं कि मुझे इन दो मिसरों से याद रखिए, कि पांच दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 800 सालों की तारीख बोलती है इमरान के दो मिसरों में, मेरी खुददारी मेरा बोलता है मिस्रों में, कि पांच दिन की हुकूमत पे इतना नशा। अगला मिस्रा सच्चा हो तो अब तक की सबसे बड़ी दुआ देना, पूरे अकोला को पता चले कि आज मुशारा हुआ है शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की याद में। मैं